हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। और मेरे किचन में आज ये रेसिपी बहुत ज़्यादा दिन के बाद बन रही है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो इसको ना बनाने के लिए आपको आधा के जी बैंगन लेना होगा, और बैंगन ना बिल्कुल छोटा वाला लेना है, ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि इसको ना जो अंदर से पकने का जो है ना वो पक के बहुत अच्छा सा रेडी होता है छोटा वाला, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा है। तो कलौंजी के लिए यही बैगन सबसे सही होता है, तो इसको लीजिए। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक है। थोड़ा सा आप लोग अपने किचन में बनाते ही होंगे, लेकिन मैं इसको कुछ अलग स्टाइल में बना रही हूँ और झटपट बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। तो एक बार इसको बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। तो बना के ट्राई करके और मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बैगन, छोटे साइज का है बिल्कुल, देखिए इतना ही छोटा लेना है। उसके बाद से इसको बीच से अच्छे से साफ करके धो के और बीच से इसको कट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बीच से ही कट कर रही हूँ, और ऐसे ही सारे को कट कर लेना है, एक तरफ रख लेना है। इसके बाद कढ़ाई चढ़ा दे के गैस पे, उसके बाद इसमें तेल मिलाएंगे, थोड़ा सा रिफाइंड, थोड़ा सा सरसों का तेल, मैं दोनों मिक्स करती हूँ ताकि टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इससे। तो देखिए, यहाँ पे तेल गरम हो गया है। इसके बाद से जो हमने बैगन कट करके रखा ना, वो सारा इसमें मिक्स कर देंगे और एक तरफ इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो एक बार मैंने चला दिया हुआ है, उसके बाद इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और इसको ना थोड़ी थोड़ी देर पे, जैसे 2 मिनट में हमेशा चलाते रहिए, ताकि ये ना नीचे से एक तरफ से ना पकड़े, बराबर चारों तरफ से पके। यहाँ पे मसाला लिया हुआ है, 2 प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया पत्ता है, भुनवा मिर्च है, और उसके बाद लहसुन है। तो लहसुन मेरा इधर से कट गया है। देखिए, यहाँ पे प्याज ऐड किया हुआ है, दोनों प्याज को मोटा मोटा ही काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पीसना है। उसके बाद भरवा मिर्च डाला, हरी मिर्च डाला, इसके बाद लहसुन कट करके डाल दिया हुआ है। इसके बाद एकदम से एकदम परफेक्ट रूप से रेडी हो जाएगा। इसको पीस लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे पीस के रख लिया हुआ है, और एक तरफ हो गया, ये पीस का काम हो गया। देखिए, मसाला बन के रेडी हो गया। इसके बाद से देखिए, यहाँ पे बैगन भी पक गया। दोनों तरफ से मैं हमेशा चलाते रही हूँ ताकि बैगन अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे ये पक के रेडी हो गया है। 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी तो इसका फ्लेवर वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से जो फ्लेवर है ना वो पक के रेडी होता है। यहाँ पे कढ़ाई में तेल थोड़ा सा मैं निकाल दी हूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो उसके बाद जो मसाला हमने बनाया था ना, वो इसको इसमें ऐड करेंगे। देखिए, अब मसाला जो प्याज है ना, वो प्याज कच्चा था, तो उसको पकाने के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। उसके बाद हल्दी डाला हुआ है, इसके बाद धनिया डाला हुआ है, इसके बाद जीरा पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, इतना मसाला इसमें ऐड करिए। और इसमें कुछ नहीं ऐड कर किया हुआ है, ताकि जो हमने भरवा मिर्च डाला है ना, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा आप इसमें चाहें ना तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, क्योंकि मुझे खट्टा नहीं ज़्यादा चाहिए ये। तो देखिए, यहाँ पे ये मसाला बन के रेडी हो गया है और पक भी गया है। तो थोड़ा सा और इसको पका लेंगे, ताकि प्याज जो है वो कच्चा था, तो इसको पकाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको एकदम सुखा लीजिए, खुले गए खुले उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई को, ढकना नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे मसाला बन के रेडी हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत से पक के रेडी हुआ है, और देखिए बिल्कुल सूखा हो गया है। इस स्टेज पे हमें गैस को करना है बंद, उसके बाद से मसाला को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, मैंने मसाला निकाल के एक तरफ रख लिया हुआ है, और ये ठंडा हो गया। अब बैगन भी ठंडा हो गया है, तो इसमें इसको भर देंगे। तो भरवा बैगन ना ऐसे में बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो और इसका जो मसाला होता है ना, वैसे भर के एक तरफ से और बनता है, जैसे मसाला और ये दोनों भर के उसके बाद से कढ़ाई में रखा जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि पकते पकते और उसका जो मसाला होता है वो निकल के पूरा फैल जाता है। तो उसको नहीं, ऐसे करके देखिए एक बार, मेरे तरीके से बना के देखिए, तो आपको बहुत अच्छा आपका बनके रेडी होगा फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ बहुत अच्छा बना था फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ना आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये बन के रेडी हो गया। अब थोड़ा सा और इसमें क्या करना है ना, पूरा भर के एक तरफ रख लीजिए, और जो तेल हमने निकाल के रखा था ना, उसी तेल को कढ़ाई में ऐड करना है, और उसको चारों तरफ से मिक्स कर लेना है। जैसे देखिए, मैं चम्मच से चारों तरफ लगा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
चारों तरफ जब मिक्स हो जाएगा ना, तो जब इसमें बैगन को रखेंगे ना तो वो जलेगा नहीं तेल, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है फ्रेंड्स, ताकि ना अंदर से ये और अच्छे से मसाला और बैगन के अंदर का जो मसाला है ना वो सारा इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे, और ये झटपट बन के रेडी होता है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन के रेडी होता है। तो इसको देखिए मैं ऐसे ही चारों तरफ ऐसे ही रख के और इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ अलग वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो कमेंट मुझे ज़रूर करिए, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट भी करिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही इसको पूरा रख देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट इसको ढक के छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स। अब पक के बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया है, अब ये बिल्कुल रेडी है देखिए, और चारों तरफ से मैं आपको ये दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत पका हुआ है फ्रेंड्स। देखिए ना ही जला है ना ही कच्चा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बराबर परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही अलग है, तो एक बार आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड में सबके साथ शेयर भी करिए, और प्लीज सपोर्ट भी करिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है, बहुत खूबसूरत बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड्स। बैगन का भरता नहीं है तो ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, और थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए तभी तो बैगन के भरते का टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे इसका जो डंडी है वो भी कितना अच्छे से पक के रेडी है, देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा से बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी। तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ फ्रेंड्स लाइक भी करिए, लाइक करिए सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे, और जो भी गलतियाँ हो ना वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ दी आप ऐसे किए हो या गलत बोले हो, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।